सो फाइनली दोस्तों टाइगर 3 के ट्रेलर को रिलीज हुए 6 घंटे हो चुके हैं भाई साहब, यूट्यूब क्रैश हो गया है, सोशल मीडिया हैंग हो गया है भाई साहब। 6 घंटे के अंदर 14 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक, 80,000 से भी ज्यादा कॉमेंट पठान के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है, जवान के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई नजर आ रही है ऑल इंडिया नेट कलेक्शन में। दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देखिए, बहुत सारी अपडेट लेके आऊं, लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और चैनल पर नया है तो पता नहीं क्या करना है, सब्सक्राइब। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों बहुत सारी रिपोर्ट लेकर आऊं। सबसे पहले जब से दोस्तों इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है 6 घंटे के महज अंतराल में भाई साहब बुक माई शो पे भी मैं देख रहा हूं 4,000 से 5,000 का जंप देखने को मिला है भाई साहब, 1,31,300 का इंटरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों इसने रिकॉर्ड बना लिया है फास्टेस्ट, जी दोस्तों फास्टेस्ट 1 मिलियन to 10 मिलियन व्यूज लेकर ऑन है यूट्यूब ट्रेलर पे। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तो 14 मिलियन व्यूज आ चुके हैं महज 6 घंटे में, अभी की जो ताजा रिपोर्ट मैं दिखा पा रहा हूं आप, मालेगांव जो फैन क्लब है सलमान खान का दोस्तों थिएटर में उनके रिएक्शन देखने को मिल रहा है भाई साहब। जनता ने इस ट्रेलर को इतना ज्यादा प्यार दे दिया ना, इसकी एवरेज रेटिंग 4.5 स्टार की आ रही है। इनफैक्ट दोस्तों तरण आदर्श जो बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, उन्होंने एक पोल भी डाला था, वोटिंग पोल, और उसमें जनता ने इस फिल्म को प्यार दिया है और दोस्तों अबव एक्सपेक्टेशंस रखा है, मतलब इसका ट्रेलर जनता को बहुत पसंद आया है दोस्तों। यहां तक कि टाइगर 3 के अंदर एनटीआर का कैमियो 10 से 20 मिनट का बताया जा रहा है, जूनियर एनटीआर का, और उनका कैमियो एक स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा इस पूरी फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी कमाल की थी, कलर ग्रेडिंग तो मैंने बताया था कि ऑसम था दोस्तों, और एक ऐसा सीन जिसकी तारीफ दोस्तों बहुत जम के हो रही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि माइकल ली, जी हां माइकल ली एक इंटरनेशनल एक्ट्रेस है फीमेल, जो कि भाई साहब कटरीना कैफ के साथ हॉट और दोस्तों नेक्ड के अंदर जो फाइट सीन्स हो रहा है भाई साहब, उसमें कटरीना कैफ तो हॉट लगी रही है। माइकल ली के जलवे और एक्शन दोस्तों कमाल के देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये जब भाई साहब ये दोनों आपस में लड़ेंगे ना, और ये जब सीन्स आएगा ना भाई साहब, मैं बता रहा हूं थिएटर में ना भाई साहब सीटियां तो बजनी है दोनों के सीन्स पर। दोस्तों माइकल ली भी बहुत हॉट नजर आ रही है, इस सीन्स को दोस्तों जनता लोग बहुत प्यार दे रही है, मतलब इनफैक्ट बहुत क्यूट सा सीन्स लग रहा है। इसके बाद दोस्तों इमरान हाशमी का एक सीन कहा जा रहा है कि भाई साहब जब वो जेल के अंदर पाकिस्तान जेल में जब सलमान खान को धमकी देते हैं और जब उनका एक अपीयरेंस दिखाया जाता है, उनका चेहरे की झलक दोस्तों पूरी फिल्म को भाई साहब 500 करोड़ के ऊपर ले जाने का दम रखती है। मतलब यार मुझे इमरान हाशमी का लुक ऑनेस्टली बताऊं मजा आ गया। और इमरान हाशमी कहा जा रहा है कि कुछ हेटर लोग कह रहे हैं कि इमरान हाशमी जो है सलमान खान को खा जाएगा, मतलब इतने ज्यादा इमरान हाशमी को दोस्तों इस फिल्म के अंदर बहुत तरीके से दिखाया गया है, बहुत ज्यादा वर्क किया है इमरान हाशमी ने अपने रोल के ऊपर, अपनी एक्टिंग के ऊपर, तो दोस्तों वो दिखने को मिल रहा है। मतलब कुछ सीन्स में इमरान हाशमी का अपीयरेंस बहुत ही लाजवाब लगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे ट्रेलर में सीन्स तो दिखाए नहीं, सॉन्ग का कुछ फैक्टर नजर नहीं आया, एक प्रभु का नाम लेके सॉन्ग दोस्तों उसका भी कोई ग्लिम्स देखने को नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रिया का एक एक्शन सीन्स वो भी इस ट्रेलर के अंदर नहीं नजर आया है। कुछ फैंस लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि माइकल ली का अफेयर हो सकता है इमरान हाशमी के साथ, और शायद दोस्तों कुछ ये भी कह रहे हैं लोग कि कटरीना कैफ की भी पास्ट स्टोरी है इमरान हाशमी के साथ, मतलब कुछ सोर्सेज ऐसा बता रहे हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है कितना गहराई है दोस्तों तो फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि हेटर लोग की ना भाई जली पड़ी है इस ट्रेलर को देखने के बाद ना, हेटर लोग कंपेयर कर रहे हैं पठान और जवान से, और आपको बता दूं कि टाइगर 3 के ट्रेलर ने भाई साहब व्यूज के मामले में बात करूं, कमेंट के मामले में, हर चीज में भाई साहब, चाहे वो VFX हो, चाहे एक्शन सीन्स हो, चाहे दोस्तों ग्रैंड लेवल का शूट हो, सिनेमेटोग्राफी हो, IMAX पे शूट हो, भाई साहब 10 times मोर देन बेटर है पठान और जवान का, इसमें कोई भी शक नहीं है दोस्तों, इनफैक्ट बजट के अंदर भी। लेकिन भैया वो रमैया वस्ता भैया वाले जितने भी जनता है ना भाई लोगों, उनकी ना फटी पड़ी है, वो लोग पता क्या बोल रहे हैं भाई साहब, पठान का ट्रेलर जो है वो कमाल का था, जवान का ट्रेलर कमाल का था। इसके बाद दोस्तों टाइगर 3 के ट्रेलर को रोस्ट कर रहे हैं, टाइगर 3 के ट्रेलर को पता क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल बिलो एक्सपेक्टेशन से पुअर VFX बताया जा रहा है। एक दोस्तों एक पोर्टल है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन भाई साहब मुझे लग रहा है कि उसको जरूर पैसे मिले हैं इनकी तरफ से, हेटर लोगों की तरफ से, और भाई
भाई साहब वो नेगेटिव रिव्यू कर रहा है सलमान खान के इस ट्रेलर को। दोस्तों आपको बता दूं कि सलमान खान के टाइगर 3 वर्सेस पठान का जो ट्रेलर का कंपैरिजन बताऊं तो भाई लोगों जो हेटर लोग हैं वो पता है क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब इस फिल्म का जो बजट है जिस हिसाब से लगभग 250-300 करोड़ उस हिसाब से पुअर VFX है, VFX पुअर बता रहे ये नादान परिंदे। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं इमरान हाशमी ज्यादा जो है वजनदार लग रहा है एज कंपेयर टू सलमान खान थका हुआ दिख रहा है, ओवरशैडोड दिख रहा है, डल दिख रहा है, एग्जॉस्टेड दिख रहा है। ये अपने रमैया बस्ता वाली जनता कह रही है, ये हेटर लोग कह रहे हैं नादान परिंदे को सलमान खान थका हुआ लग रहा है। अरे भाई साहब आप अपने पठान और जवान के अंदर इतना CGI थोप के तो भी आप खूबसूरत नहीं नजर आ रहे हो, भाई सलमान खान को थका हुआ बोल रहे हैं, देख रहे हो दोस्तों। उसके बाद भाई साहब मनीष शर्मा को ये कहना है कि भाई ट्रेलर के अंदर ही पूरी प्लॉट स्टोरी रिवील कर दी, स्टोरी मतलब स्टोरी कोई सस्पेंस नहीं है फिल्म के अंदर, कुछ बचा ही नहीं थिएटर में देखने के लिए। भाई साहब हेटर लोग बोल रहे हैं, मतलब ये कंपैरिजन करके ये बोल रहे हैं कि भैया पठान का ट्रेलर दमदार था, बुर्ज खलीफा में पठान का ट्रेलर चल गया तो दमदार हो गया। अपना सल्लू भाई, दोस्तों जनता इंडिया की प्यार करती है, वो बंदा इंडिया पाकिस्तान के मैच में जी हाँ दोस्तों इंडिया को रिप्रेजेंट किया और अपने टाइगर 3 का प्रमोशन किया, उसकी जगह भैया अपना पठान प्रेमी वो तो भैया बुर्ज खलीफा पे दूसरी कंट्री में जाके पठान को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों कौन सा बेहतर हुआ, मतलब यार ये सल्लू भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन अपने SR के भैया को कहां टाइम है, वो तो कहीं ना कहीं जरूर बुर्ज खलीफा पे चिकन विकन लपेट रहे होंगे अच्छे से। भाई उसके बाद देखो पठान प्रेमी क्या बोल रहे हैं, पठान प्रेमी बोल रहे हैं कि पठान का ट्रेलर एपिक था, पठान का ट्रेलर मोर देन 10 times बेटर था किसके, सल्लू भाई के टाइगर 3 के ट्रेलर से। इसके अलावा दोस्तों इसका सिनेमाटोग्राफिक कमाल का लगा पठान का ट्रेलर का, कहा जा रहा है कि ग्रेट विजुअल्स थे इसके, ओके अच्छे डायलॉग्स थे, सॉन्ग भी अच्छे थे पठान के, हाँ हमने देखा भाई पठान के झूमे जो पठान, मतलब उनका भगवा रंग में कितना विवाद हुआ हमने देखा, कितना कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा बनाया था, मतलब धर्म के खिलाफ किसी भी धार्मिक चीजों को आग दिया पठान ने। उसके बाद भाई साहब कहा जा रहा है कि 10% भी नहीं है टाइगर 3 का ट्रेलर पठान के मुताबिक। अरे भाई साहब हद हो गई भाई, पठान भाई साहब पठान फिल्म जब चल रही थी ना जनता ने ठान लिया था फ्लॉप है, लेकिन भाई साहब जैसे अपने सल्लू भाई की एंट्री हुई ना भाई साहब, सल्लू भाई को पूरा क्रेडिट मिलेगा पठान फिल्म को हिट कराने के लिए, उनके स्कार्फ और उनका ब्रेसलेट ही काफी था। अगर वो नहीं भी आते ना भाई साहब ट्रेन के अंदर तो भी अपना उसका स्कार्फ अगर खुद ही आ जाता ना और ब्रेसलेट तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं तो भी वो अपना काम कर देता। लेकिन भाई साहब यहाँ पे पठान जी दोस्तों पठान को तो क्या बताऊं, फेक कॉर्पोरेट बुकिंग, फेक कलेक्शन, सोलो रिलीज, मैक्सिमम थिएटर, मैक्सिमम स्क्रीन। अब आपको बता दूं दोस्तों कि टाइगर 3 जवान के नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ के 700 करोड़ का कलेक्शन करके ये नेट कलेक्शन ने अपने रिकॉर्ड अपने नाम कर ले। दोस्तों ट्रेलर का कंपैरिजन मैंने बताया कैसे हेटर लोगों की जली पड़ी है, नादान परिंदे असामाजिक तत्वों के लोगों को ये ट्रेलर पच नहीं रहा है, वो तो ये चाहते हैं कि भैया पठान, जी हां दोस्तों पठान का ट्रेलर ही सब कुछ था उनके लिए। उसके बाद दोस्तों जब भी अब शाहरुख खान की डंकी आ रही है और भैया वो भी क्या कह रहे हैं डंकी भी हट जाएगी, फेक कलेक्शंस करके तो सब कुछ होगा ना। अरे अपने सल्लू भाई की ये जो ट्रेलर है भाई विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट भाई साहब सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए, देख लो भाई तुम्हारे 2 घंटे में पठान के 2.5 मिलियन व्यूज थे। भाई साहब आपको बता दूं टाइगर 3 के ट्रेलर ने 1 घंटे के आसपास ही 3 मिलियन व्यूज कर लिए थे और लाइक और कमेंट के मामले में पठान से ज्यादा कमेंट किया। अब दोस्तों बिना किसी कॉर्पोरेट बुकिंग, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट तक भी अगर टाइगर 3 इतने अच्छे रिस्पॉन्स ले रही है, ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स दे रही है, जनता का ऑर्गेनिक प्यार है, जनता सपोर्ट कर रही है इस फिल्म को, तो आप सोचो दोस्तों कि फिल्म कितनी बड़ी ओपनिंग लगी। भाई साहब जवान पठान दोनों के कलेक्शन मिला दोगे ना तो मैं लिख के दे रहा हूं भाई दोनों मिलाकर 1 ओपनिंग लेगा अपना सल्लू भाई, भाई साहब 150 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग जाएगी पहले दिन ही। उसके बाद दोस्तों दिवाली 12 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, संडे को फिल्म रिलीज हो रही है, भाई मंडे और पूरा वीकेंड हॉलीडे है, मतलब भाई साहब संडे को फिल्म स्टार्ट होगी और संडे तक ही भाई टाइगर 3 अपना काम कर देगा। जवान पठान आंडू पांडू जितने फिल्में हैं सबके रिकॉर्ड खत्म, संडे को एक नया बेंचमार्क सेट कर देगा, लो भाई तोड़ लो तुम अब डंकी तोड़ेगी टाइगर 3 के रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये थी बड़ी तबाही टाइगर 3 की जो कि सोशल मीडिया
पूरे बवाल मचा दिया टाइगर थ्री के ट्रेलर ने। कैसा लगा ट्रेलर कमेंट करके बताओ। क्या लगता है दोस्तों, क्या पठान जवान के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी, 700 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी ये फिल्म इंडिया नेट में, कमेंट करके बताओ। और दोस्तों क्या आप टाइगर थ्री को सपोर्ट करते हो, ये भी कमेंट करके बताओ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग इतना प्यार कर रहे हो मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच यार, कमेंट लाइक भर भर करते रहो। जय हिंद जय भारत।